नमस्कार, मैं हूं चारू अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भारत में हार्ट फेलियर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। परेशानी की बात यह है कि कुछ साल पहले तक ये खतरा बुजुर्ग लोगों में ज्यादा रहता था, लेकिन आजकल युवाओं में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में इस गंभीर समस्या के बारे में जागरूकता की कमी है। हार्ट फेल का मतलब क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या वजह है ये परेशानी युवाओं में बढ़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसे कैसे बचा जा सकता है, अपने दिल का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अभिमन्यु निगम, MD DM कार्डियोलॉजी एम्स, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर। डॉक्टर प्रियांक जैन, MD DM कार्डियोलॉजी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट DNS हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। डॉक्टर सुलभ चंद्राकर, MD मेडिसिन सियोन मुंबई, DM कार्डियोलॉजी RML दिल्ली, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट VY हॉस्पिटल रायपुर। आप सभी का हमारे इस खास शो में स्वागत है। डॉक्टर अभिमन्यु, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी, हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर को अगर हम सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझना चाहें, हार्ट फेलियर एक गंभीर स्थिति है जिसमें हृदय उतनी कुशलता से काम नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। हार्ट फेलियर का ये मतलब नहीं होता कि हमारा हार्ट बिल्कुल ही फेल हो गया या अचानक से मरीज की जान को खतरा है। हार्ट फेलियर एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज है जो धीरे 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 बढ़ती जाती है, जिसके कारण से मरीज को सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआती स्टेजेस में जब हमारा हार्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, तो मरीज को इनिशियली चलने फिरने में सांस का फूलना, चलने फिरने में थकान होना या शाम के समय पैरों में सूजन आना, इस तरह की समस्याएं बनती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हार्ट और कमजोर होता जाता है। रात को सीधा सोने में खांसी का आना या 2 से 3 तकिए लगा के सोने में आराम मिलना, ये सारे हार्ट फेलियर के लक्षण हैं। एंड ये हार्ट फेलियर को सरल भाषा में समझ सकते हैं हम इससे। डॉक्टर प्रियांक, आप बताइए, हार्ट फेलियर के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट फेलियर के जो इनिशियल लक्षण होते हैं, आजकल जो हम यंग में भी देख रहे हैं, सबसे पहले थकान हो जाना, बहुत जल्दी थक जाता है इंसान, फिर उसके बाद धीरे धीरे थकान बढ़ती है, और सेकेंड है कि सांस फूलना। जिस एक्टिविटी को करने में पहले इंसान नहीं थकता था, वो अब उन सब चीजों में थकने लगेगा। जैसे पहले यहाँ से अगर वो अपने पास के कहीं जाने में थकता था, अब वो वहां तक जाने में नहीं थकता था और अब थकने लगेगा, नहाने में थकने लगेगा, डेली एक्टिविटीज करने में थकने लगेगा। तो ये सब जो है थकान धीरे धीरे आना, फिर कहीं सीढ़ियों पर थोड़ा सा चलने पर सांस फूलने लगेगी जो पहले नहीं होती थी, इस तरह से सांस फूलना, थकान, इरिटेबिलिटी आ जाना, थकने के कारण इरिटेबल हो जाना, काम नहीं कर पाने के कारण इरिटेबल हो जाना, धीरे 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 सांस फूलने के बाद फिर पैरों में सूजन आना, आंखों में नींद सी रहना पूरे दिन, पैरों में सूजन, सांस फूलना, खांसी होना, आगे जाके धीरे धीरे हार्ट फेलियर में खांसी होने लगेगी मरीज को, यही सारे लक्षण जो हैं ये हार्ट फेलियर के स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा पैरों में सूजन आ जाना शाम को, उसके बाद तो पेशेंट बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं। ये सब लक्षण हमारे छाती में दर्द किसी किसी को शुरुआत में होता है, बट हार्ट फेलियर होने के बाद छाती में दर्द की जगह सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे लक्षण हमको हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सुलभ, हार्ट फेलियर के कॉमन कॉजेस क्या होते हैं? हार्ट फेलियर, जैसा कि बाकी डॉक्टर ने बताया, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर वर्ल्ड एज वेल एज इन अवर कंट्री। और हार्ट फेलियर के कॉजेज हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट कॉजेज होते हैं। जैसे अगर अर्ली एज ग्रुप है, से विद इन फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ लाइफ, तो सबसे कॉमन कॉज है इसका मायोकार्डाइटिस, यानी हार्ट का इन्फेक्शन होना। उसके बाद कॉजेज आते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जैसे हार्ट में छेद होना, ASD, इसमें VSD तथा PDA। अगर आपके हार्ट में छेद है तो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में हार्ट फेलियर का इंपॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट है कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर होना, ऑलरेडी आपको कोई SLE या कोई स्क्लेरोडर्मा जैसी कोई सिस्टमिक डिजीजेज हैं आपको, तो इससे हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ विद इन फर्स्ट 2 decades, विद इन 20 ईयर्स ऑफ लाइफ, ये कॉमन कॉजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिडिल एजेस में। मिडिल एजेस में जो है इश्मिक कार्डियोपैथी, यानी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होना,
ये मोस्ट कॉमन कॉज है मिडिल एज में हार्ट फेलियर का, जो जिससे कि हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तथा हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आते हैं। और तथा और बाकी सारे कॉजेज भी हैं, जैसे ईसीजी में परेशानी होना, एलबीबी नामक एक बीमारी होती है ईसीजी में, जिसमें कंडक्शन सिस्टम में आपके डिले हो जाता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो सकता है। तो लेट स्टेजेस ऑफ लाइफ में दो जो डिजनरेटिव चेंजेस जो हार्ट में आ जाते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, वो हार्ट फेलियर करा सकते हैं। तथा अगर आपको और दूसरे डिजीजेज हैं, जैसे आप किसी कैंसर से, कैंसर की समस्या है आपको, या आप किसी के जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब चीजों से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इन शॉर्ट टू समराइज, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट का इन्फेक्शन, तथा मिडिल एजेस में इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होना, ये दो मेन रीजंस हैं हार्ट फेलियर के इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। डॉक्टर अभिमन्यु, हार्ट फेलियर से हार्ट अटैक कैसे अलग है? हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों ही अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, और लोग उसे कॉमनली कंफ्यूज करते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर एक ही चीज है, जबकि हार्ट अटैक जो होता है वो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आने के कारण से होता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं वो अचानक से छाती में दर्द होना, अचानक से सांस फूल जाना, या कुछ कंडीशंस में सांस का फूलना या चक्कर आना, या कुछ कुछ कंडीशंस में अचानक से डेथ हो जाना, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ये सब हो सकते हैं। दूसरी तरफ हार्ट फेलियर, जैसा मैंने बताया, वो बीमारी है जिसमें हार्ट उतना इफेक्टिवली हमारी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग ब्लड नहीं पंप कर पाता, जिसके कारण से मरीज को धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमार समस्याएं, जैसे धीरे धीरे सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, काम करने में थकान होना, यह सब होता है। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट अर्जेंट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है। हार्ट फेलियर दूसरी तरफ दवाइयों से और प्रॉपर डॉक्टर की केयर के साथ आसानी से मैनेजेबल बीमारी है। डॉक्टर प्रियांक, आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन हार्ट फेलियर का काफी ज्यादा शिकार हो रहा है। यूथ में हार्ट फेलियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हार्ट फेलियर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पहले ये 60 से 70 साल की एज में देखा जाता था, अब ये बहुत ही यंग जनरेशन में हो रहा है, खासकर हमारे एशियन एथनिसिटी में एंड ओवर दी वर्ल्ड एज वेल। सबसे मुख्य कारण इसमें अगर हम बोलें तो जो आज का खान पान है, ओबेसिटी है, हमारी जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, स्मोकिंग बढ़ गई है, अल्कोहलिज्म बढ़ गया है, और सबसे ज्यादा जो खान पान है हमारा, जो कि फास्ट फूड हम खा रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्नाइज फास्ट फूड हो या हमारे इंडियन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, ये सभी कहीं ना कहीं सिडेंट्री और मोटापा बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं डायबिटीज बढ़ रही है। डायबिटीज भी इनडायरेक्टली हार्ट फेलियर करती ही है। आज जो हम इनफैक्ट हम गेहूं चावल खा रहे हैं, ये भी हमको खाना बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लगा है। दूसरी चीज है जो एरेटेड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं, पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीजें, खराब खाना, ये जो है ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी चीजें, लेग्यूम्स, नट्स, ये सब कंजम्पशन कम होते जा रहा है। जो आज की युवा पीढ़ी है वो स्मोकिंग, मोबाइल पे और नो फिजिकल एक्टिविटी, इन सब में इन्वॉल्व होने के कारण धीरे 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 हार्ट खराब होना, हार्ट अटैक्स आना इतने बढ़ गए हैं, और इवेंचुअली हार्ट फेलियर में लैंड अप करते हैं। सो हार्ट फेलियर के मुख्य बहुत सारे कारण हैं, इसमें से वन मेजर कारण जो है वो है हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट फेलियर होना, या किसी किसी को डायबिटीज हो जाने से उसके बाद ऑटोमेटिक हार्ट खराब हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं भी हुआ हो पहले तो भी। इस तरह से ये काफी सारे कारण हैं जिसके कारण आज की तारीख में यंग लोग हार्ट फेलियर से पीड़ित हैं। डॉक्टर सुलभ, किसी मरीज में हार्ट फेलियर को डायग्नोस करने का प्रोसेस क्या है? हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है सिम्टम, यानी अगर आपको सांस फूलना, चलने फिरने में ज्यादा सीढ़ियां ना चढ़ पाना, तथा पैरों में सूजन आना, रात को सोने में तकलीफ होना, रात को लगातार खांसी आना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो हार्ट फेलियर आपको हो सकता है, तथा आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है डायग्नोसिस का हार्ट फेलियर का, वो होता है इकोकार्डियोग्राफी, यानी हम सोनोग्राफी करके हार्ट की पोजिशन देखें। हार्ट सोनोग्राफी में हमें दोनों चीजें देखनी होती है, हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन तथा रिलैक्सेशन, क्योंकि ऑफ लेट देखा गया है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी उसमें हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन नॉर्मल होता है बट रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होता है, वो भी हार्ट फेलियर करा सकता है। तो इको के द्वारा हम हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी देखते हैं तथा रिलैक्सेशन देखते हैं, और इससे मोर और लेस डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है कि नहीं। और थर्ड स्टेप होता है
बायोकेमिकल मार्कर्स, जैसे मार्कर्स एंटी प्रो बीएमपी, ये सब लेवल चेक करना। अगर ये सब लेवल्स बढ़े हुए हैं तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि आपको हार्ट फेलियर है तथा एवं उसका ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। तो तीनों ही, कोई भी एक स्टैंडर्ड गोल्ड मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है जिससे एक टेस्ट से हमें कंफर्म हो जाए, हमें तीनों देखने होते हैं, सिम्टम वाइज, इमेजिंग वाइज तथा बायोकेमिकल मार्कर्स वाइज। डॉक्टर अभिमन्यु, क्या हार्ट फेलियर को मैनेज या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जैसा आपने मुझसे पूछा, आज हम बहुत लकी हैं जो हम इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं। हमारे पास हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट के लिए कई तरह की दवाइयाँ, कई तरह के डिवाइसेस और एडवांस्ड थेरेपीज अवेलेबल हैं, जिससे हम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स का जीवन काफ़ी गुना सरल और सेफ बना सकते हैं। हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है मरीज और डॉक्टर दोनों को बीमारी के बारे में जानना, मरीज को परहेज के बारे में पता होना। हार्ट फेलियर के लिए सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट अपने खान पान में नमक की मात्रा को कम करे, पानी की मात्रा को कम करे, प्लस नियमित दवाइयाँ खाए। हमारे पास जो हार्ट फेलियर की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स उससे काफ़ी अच्छा सुधार महसूस करते हैं और वो अपने नियमित दिनचर्या को काफ़ी अच्छे से बिता सकते हैं। कुछ केसेस ऑफ एडवांस्ड हार्ट फेलियर जो दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, आज हमारे पास उनके लिए कई तरह के डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि होते हैं CRT-D, जिसे कहा जाता है, जो कि एक छोटा सा पेसमेकर टाइप की मशीन होती है जो एक ऑपरेशन के थ्रू हार्ट में लगाई जाती है और हार्ट की पंपिंग को सुधार करती है। अगर पेशेंट उसके भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हमारे पास और एडवांस थेरेपीज हैं जिसको का लगा के पेशेंट की हार्ट की पंपिंग को और सुधार किया जा सकता है। हमारे पास हार्ट फेलियर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा आर्मेंटोरियम है जिससे हम पेशेंट को काफी गुना फायदा देने के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रियांक, हार्ट फेलियर को मैनेज करने के लिए पेशेंट को लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? सबसे अच्छा, जो सबसे पहला बदलाव हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट या फिर इसको होने से बचाने के लिए है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो हमारी दिनचर्या है, सुबह एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, फ्रूट, दिन भर हमारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहना, हेल्दी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉपिंग द स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ऑल अदर बैक प्रोडक्ट्स, द जंक विच वी से, द फ्राइड पोटैटोज, द बिस्किट्स विच वी आर ईटिंग, सब में मैदा, इन सब को बंद करना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो ही इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट के तौर पे तो हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, साथ में ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिस मेडिसिन हैं हार्ट फेलियर की, बहुत सारी पिलर्स आ गए हैं। चार हमारे पास 4-5 कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन हैं ऐसी जो हार्ट फेलियर में काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। इन सबको लेना और उसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल बदलना, वेट लॉस करना, जो सेंट्रल ओबेसिटी हम फैट बोलते हैं, पेट की ओबेसिटी है, सेंट्रल एडिपोसिटी, इसको कम करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और हमारा मेन जो डाइट है उससे ही ये हो सकती है विद एक्सरसाइज। इसके अलावा दवाइयाँ लेना, और भी आगे थेरेपीज आ गई हैं हार्ट फेलियर के लिए, अगर बहुत ज़्यादा खराब है स्थिति हार्ट की, जो कि इररिपेरेबल है विद द मेडिसिंस, देन वी हैव सम डिवाइस प्लेसमेंट्स इन लेटर फर्दर स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर, एंड इवन हार्ट ट्रांसप्लांट इज अ थिंग नाउ। सो दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट, एंड इसके पहले हमें एक कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प लेके, हमें अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए अलॉन्ग विद द मेडिसिंस, एंड देन फर्दर वी शुड गो ऑन फॉर दिस विद लाइफ लॉन्ग, ये फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर सुलभ, हार्ट फेलियर डेली लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है? जैसा कि बाकी डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट फेलियर से सांस फूलना कॉमन सिम्टम्स है, तथा डेली रूटीन एक्टिविटीज में भी अगर आप हार्ट फेलियर एडवांस स्टेज है तो इसमें सांस फूलना चालू हो जाता है। तो इससे हमें डेली डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज काम करने में दिक्कत होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और नेक्स्ट है कि अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें सडन कार्डियक डेथ यानी अचानक मृत्यु की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं तो आपके डॉक्टर्स जो भी आपको गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी एडवाइस किया है उसे आप रेगुलर लेते रहें तथा लगातार फॉलोअप में रहें, और जो रूटीन ब्लड टेस्ट जो भी वो एडवाइस कर रहे हैं उसे रेगुलरली आप करवाते रहें। डॉक्टर प्रियांक, हार्ट फेलियर का सिम्टम्स दिखने पर किसी को मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए? सिम्टम्स दिखने पे तो इमीडिएट हेल्प, मेडिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड। हमें हाथों मतलब उसी समय किसी नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करके
हमें एक बड़े या तो कार्डियोलॉजिस्ट या जो डीएम या एमडी मेडिसिन को एक एटलीस्ट दिखाना ही चाहिए, सो दैट अर्ली इनिशिएशन अगर हम करेंगे, जितना जल्दी थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो इसमें डीले या लेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थोड़े भी सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को प्लीज संपर्क करें। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिजीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी है। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में बस इतना ही। धन्यवाद।